चलो तैयार हो जाओ मैरी, एस्ट्रोनॉमी कैंप हमारा इंतजार कर रहा है। पॉली सब सेट है, हमारी टिकट्स कहाँ है? ये रही, चलो चले, बहुत बढ़िया वेकेशन होगी। रुको पॉली, कोई मैसेज आया है। ओ नहीं, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। मौसम खराब है। चिंता मत करो मैरी, अगर हम ग्लैम्पिंग करें तो सोचो कितना मजा आएगा। अच्छा आइडिया है बेस्टी, चलो काम पर लग जाओ। और कंस्ट्रक्शन साइट की शुरुआत आम सफाई से हुई। जिन सामान की जरूरत नहीं है उन्हें निकाल देते हैं। जोर लगाओ। ओह, गलत तरफ जा रही हो, यहाँ चलो। रूम कंस्ट्रक्शन के काम के लिए लगभग तैयार है, अब बस पेंटिंग्स उतारनी बाकी है। प्लान के हिसाब से अब क्या करना है? मैरी शुरू करें। आराम से पॉली, हम ब्लूप्रिंट को फॉलो करेंगे। देखो पहले हमें फ्रेम बनाना होगा। अच्छा ठीक है, तो चलो लकड़ी काटे। इसे पॉली संभालेगी। ओह, ये मुश्किल है, पर अगर काम कोई माहिर इंसान कर रहा हो तो सब हो जाता है। फ्रेम के लिए बीम्स तैयार है, ये तुम्हारे लिए है पॉली। चलो वुडन बेस तैयार करें, बिल्कुल लेगो सेट जैसा है। बीम्स को फ्लोर पर रखें। ओह वाह, बहुत सुंदर बनेगा। हमने ये बहुत अच्छा किया पॉली, क्या बात है। पर अभी काम पूरा नहीं हुआ, पार्ट्स को एक साथ जोड़ना होगा। अब स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करना होगा, बीम्स पे स्क्रू लगाएं। क्या तुम्हारा काम हो गया पॉली? मेरी ये क्या है? हम इन पाइप से डोम बनाएंगे। देखो और सीखो। बेसिस को किनारों पर रखते हैं और फिर पाइप्स को उनके साथ जोड़ देंगे, फिर उन्हें एक साथ सेंटर में बांधे। फ्रेम लगभग तैयार है, पर इतना काफी नहीं। ग्लैम्पिंग में असली डोम होना चाहिए, जैसे कि कार्डबोर्ड का। चलो एक ट्रायंगल बनाएं और फिर उसे काटें। मैं आ गई पॉली। होममेड ग्लैम्पिंग के लिए आपको ढेर सारे ट्रायंगल्स की जरूरत होगी। कैंची के साथ बहुत काम करना होगा। लगी रहो पॉली, तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकती मेरी। फिर हो गया, अब क्या करना है? अब कार्डबोर्ड डोम बनाना होगा, एक एक ट्रायंगल लगाकर। अपर लेवल्स का क्या? हमारे पास टेप है मेरी। सही कहा बेस्टी, कार्डबोर्ड पीसेस को टेप से चिपकाएं। टीम वर्क से कोई भी काम पूरा हो सकता है। काम कैसा चल रहा है मेरी? बहुत अच्छा पॉली, अब बस रूफ बनानी बाकी है। पर एक प्रॉब्लम है, रूफ के लिए ये ट्रायंगल बहुत चौड़े हैं, हमें इन्हें काटना होगा। और वो हो गया। अच्छा आइडिया है मेरी, अब इन ट्रायंगल्स को एक साथ लगाएं। आसान है पॉली, मुझे डक टेप की जरूरत है। चलो इन पीसेस को एक साथ चिपकाएं और डोम की रूप तैयार है। चलो अब इसे लगाएं। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे साथ आओ मेरी। वाह, ये एस्ट्रोनॉमी कैंप से भी अच्छा है। मेरी ये व्हाइट पाइप्स हमारी वाइप के साथ मैच नहीं हो रहे। चिंता मत करो बेस्टी, हमारी सिल्वर टेप से सब ठीक हो जाएगा। वोइला, अब कितना अच्छा लग रहा है। मेरी देखो मुझे क्या मिला, फिटनेस डिस्क। अब हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है, हमें फर्नीचर की जरूरत है। डिस्क पर प्लाईवुड की एक शीट लगाएं और उसके ऊपर फोम रबर का पीस, उसे सॉफ्ट फैब्रिक से कवर करें और स्टेपल से जोड़े और उसे स्टडी बनाने के लिए चलो बेस पर डिस्क चिपकाएं। देखो पॉली ये घूम रहा है। चलो अब स्टूल को डेकोरेट करें, स्टार्स सही रहेंगे। अब दोनों के पास अपना स्पेस थ्रोन होगा। वुहू, कितना मजा आ रहा है। पर अभी यहाँ कुछ कोजी नहीं है, अभी ठीक कर देते हैं। अब काफी बेहतर है, मैट से सब अच्छा लगने लगा। ये बोरिंग है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्रिएटिव तरीके से सोचना होगा, हम एक पजल रग बनाएंगे। सेंसिल की मदद से पार्ट्स काटें और कार्डबोर्ड को कारपेट से चिपकाएं। और इसे और प्यारा बनाने के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, इन्हें एक साथ रखना। अच्छा लग रहा है, पर ये तो बस शुरुआत है, हमें अभी वॉल्स और सीलिंग को डेकोरेट करना है। अच्छा हुआ मेरी को वो गार्लैंड्स मिल गए, उन्हें सीलिंग पर लगाते हैं। पॉली भी कुछ करने में बिजी है,
ब्लू ट्यूल से ये कार्डबोर्ड डोम एक रियल स्काई में बदल जाएगा। वाह, अब अच्छा लग रहा है। अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी भी बहुत काम बाकी है। हमें खिड़कियों की जरूरत है। डोम के लिए छोटे छोटे ट्रायंगल्स काटें और पॉली मेजरमेंट्स लेगी। बस हो गया, अब बस एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड निकालना होगा। ओ मेरी, बहुत खूब, कमाल का आइडिया है। तो क्या हमारी खिड़कियाँ बनके तैयार है? और ग्लास के बजाय हम खिड़कियों में फाइल्स लगाएंगे। कितना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। क्या तुम इसका फायदा उठाने के लिए तैयार हो बेस्टी? जब तक मेरी खिड़कियों को चिपका रही है, पॉली डिजाइन पर ध्यान देगी। ग्लैम्पिंग में ब्राइट कलर्स की कमी है, पर इसका हल निकालना आसान है। पोस्टर से इंटीरियर हमेशा और अच्छे हो जाते हैं। और कुछ सॉफ्ट डिटेल्स, हमें तकिए और ब्लैंकेट्स की जरूरत है। ओह हाँ, उनके मनपसंद फूल। मेरी, हमें एस्ट्रोनॉमी पढ़नी थी ना? सही कहा पॉली, स्टार्स को देखते हैं। आज आसमान में बहुत तारे हैं। स्पेस लाइट्स के बारे में क्या ख्याल है? पुरानी डिस्क से बनाना बहुत आसान है। अपनी पसंद की शेप काटें, मार्कर से आउटलाइन बनाएं और स्ट्रिंग के साथ टांगे। स्पेस गार्लैंड को डोम में लगाएं। वाह, कितने सुंदर स्टार्स हैं। पर अब बोर हो रहे हैं। स्टार्स को देख देख कर भी थक गई हूँ। क्या करें? पॉली, कोई आइडिया है? एक आइडिया आया, चलो पार्टी करें। ओ हाँ, ये एक सुपर एस्ट्रोनॉमी पार्टी होगी। पर पहले थोड़ा फेस्टिव टच देना होगा। ये हमारी डिस्को बॉल बनेगी। बहुत खूब, पर इससे थोड़ी कॉस्मिक स्पार्कल की जरूरत है। बेरी, तुम मैजिशियन हो। कोई मैजिक नहीं किया पॉली। इस बॉल पर स्पेस रिंग लगाना चाहिए। एक और चीज, मेहमानों को भी तो पता चलना चाहिए कि ग्लैम्पिंग में पार्टी है। इसे काटें। पॉली, ये तैयार है। तुम्हें पसंद आया? ये क्या है, पजल? रेप्टी, शायद कुछ गलती हुई है। पॉली, ये पार्टी है। ओ हाँ, अब ठीक है, हम मेहमानों के लिए तैयार है। पर पहले हमें इनविटेशन देने होंगे। सब इस तरफ आओ, हमने एक पार्टी रखी है, मिस मत करो। दोस्त, हमारे स्पेस पार्टी पर जरूर आना, मजा आएगा। बढ़िया, मैं जरूर आऊंगा। और भी कई लोग पार्टी में आना चाहते हैं। स्पेस पार्टी, हम पहुंच जाएंगे। हम कामयाब हुए बेस्टी, बहुत मजा आएगा। मेरी लगता है रोबोट पपी को स्पेस टेंट में बहुत मजा आ रहा है। मुझे भूख लगी है मेरी। रुको बेस्टी, हमारे पास अपना पर्सनल वेटर है। हमें बस कंटेनर जोड़ना होगा। एक प्लास्टिक टाई का इस्तेमाल करते हैं। चिप्स डालें और ये गया स्पेस पपी। मजे करो पॉली। शुक्रिया मेरी। कोई अभी तक पार्टी में क्यों नहीं आया? अगर कोई आना ही नहीं चाहता हो तो? हाँ, हमें अकेले पार्टी करनी होगी। चिप्स चाहिए? हाँ बिल्कुल, पर खाने से भी उन्हें खुशी नहीं मिल रही। क्या उनकी मेहनत बेकार गई? पर आखिरकार मेहमान आ गए। क्या पार्टी यही है? अंदर आओ और आराम से बैठो। और मेहमान आ गए, ज्यादा जगह नहीं बची। वाह, तुमने बहुत अच्छा सेटअप बनाया है। हमने अपना बेस्ट दिया। चिप्स किसे चाहिए? और धमाल मस्ती शुरू हो गई। सुबह तक डांस करेंगे। हमारे स्पेशल ग्लैम्पिंग टेंट में उदासी की कोई जगह नहीं है। और रोबोट पपी भी शांत नहीं बैठेगा। ये पार्टी सबसे अलग है।